हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे अनदर ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह उठकर इसकी डिमांड हुई, इसको दीदी चाहिए। तो क्या करें, सुबह सुबह लेकर चले गए, देख लिया दीदी को, दर्शन हो गए दीदी के, फिर खुश होकर के चली आई वापस। ओए इधर आ। ओह बाप रे, बहुत परेशान कर रखा सुबह सुबह जिसने। क्या है बेटा, रात भी लेट सोई है और 12:30 बजे पट 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 बैंड बजा दी है। बेटू सूखे बड़े ले जा रही हूँ इन दोनों के लिए। ये देखो सुबह सुबह ये आशी आखिर अपनी दीदी को लेके आ ही गई खेलने के लिए। हाँ दीदी कितनी खुश है। दीदी ऐसे सुबह सुबह ना सबके घर में तुम घुस जाया करो, ठीक है, लोग सोए रहे तुम घुस जाया करो, शर्म तो आती नहीं तुम्हें। अब लो खाओ दोनों, लो जाओ आशी तुम भी खाओ बेटा दीदी के साथ, जाओ दीदी के साथ खाओ। देखो लग रहा है तुमको नहीं खाना। ओ हीरोइन, हाँ देखो देखो हीरोइन की हरकत है, मुझे तो इसमें बहुत ही गुस्सा आ रहा है आज। अरे देख लिया बेटा हमको, बेटा देख लिया, अरे बेबी देख लिया, मम्मा को बेबी देख लिया। अरे उठी हो गया बेबी, उठी हो गया। ये फर्स्ट ट्राई से ट्रायल किट आया था, कस्टमर केयर का कॉल आया था मेरे पास कि आप इंटेल किट हम लॉन्च कर रहे हैं तो आप वो लेंगे क्या। तो मैंने मतलब ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लो ये चीज़ें, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है तब तक के लिए ट्रायल किट आप देखिए भेजिए फिर देखती हूँ। बट ये 3 to 4 years का आया है। अब पूरे अच्छे से डिटेल चेक मैंने इसको नहीं किया था अभी, क्योंकि उस दिन खिन थोड़ा ज़्यादा कर रही थी बाबू और फिर उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो वैसे का वैसे मैंने इसको रख दिया है। बाद में डिटेल में आपको मैं बताऊँगी है क्या इसमें यूज़फुल है या नहीं है। तो बस ऊपर ऊपर देख करके मैंने इसको छोड़ दिया था ऊपर ऊपर, तो बस ये मतलब उस टाइम में मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि पेपर है क्या है नहीं है, तो वर्कशीट वगैरह कहाँ पे है, तो ऐसे ही बस ऊपर ऊपर देख करके मैंने दिखा दिया आपको और फिर रखाई। ऊपर फ्रंट में ये स्टार के स्टिकर्स वगैरह दिख रही हैं, शायद वो ग्रेडिंग वगैरह के लिए दे रखा होगा। और प्लस वो ये कहते हैं, हाँ ये जो पैकेट है ना इनमें ही एक्टिविटी के लिए जो भी मटेरियल्स हैं वो इनमें ही हैं। तो मैंने ये सब कुछ भी नहीं खोला, बस ऐसे देख लिया था। और ये भी पड़ा हुआ ही है, इसको मैं बाद में आराम से ही चेक करूँगी क्या है नहीं है, फिर आपको बताऊँगी। और बाबू जो है वो इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगा था ये देखेगी तो फाड़ने के लिए बैठ जाएगी, लेकिन उसको इंटरेस्ट था इसके जो कार्टून है ना उसमें, उसके डब्बे में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको। तो वो अपने डब्बे के साथ लगी पड़ी थी खेलने के लिए, और फिर मतलब थोड़ी देर इसके बाद तो फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं वीडियोस फिर शूट नहीं कर पाई, और गैप भी हो गया एक दिन का। मैंने सोचा था एक दिन भी गैप नहीं करूँगी, बट सिचुएशन कभी कभी आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो जितनी भी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी थी ना वही सब अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आगे जब सब सही हो जाए फिर रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक आप इससे काम चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।